लड़ाम तबे गोबिंद सिंह नाम कहां वाहा गुरु गोबिंद सिंह वाहा गुरु गोबिंद सिंह सवा लाख से एक लड़ाऊं वाहा गुरु गोबिंद सिंह सवा लाख से एक लड़ाऊं तबे गोबिंद सिंह नाम कहां वाहा गुरु गोबिंद सिंह वाहा गुरु गोबिंद सिंह वाहा गुरु गोबिंद सिंह ये साखी है सिख धर्म के दसवें गुरु साहिब कमाल गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। नाहन क्षेत्र के राजा मेदनी प्रकाश ने गुरु गोविंद सिंह महाराज को वहां के प्राकृतिक सौंदर्य को देखने और शिकार खेलने के लिए आमंत्रित किया। गुरुजी ने अपने मामा कृपाल चंद और माता गुजरी जी से सलाह करके नाहन जाने की तैयारियां शुरू कर दी। नाहन क्षेत्र की मन को मोहने वाली प्राकृतिक सुंदरता गुरुजी को बहुत पसंद आई। वहां की हवा पहाड़ नदियां झरने इन सब ने गुरुजी के मन को मोह लिया। नाहन क्षेत्र गुरुजी को इतना पसंद आया कि उन्होंने कुछ समय वहीं पर बिताने का निर्णय लिया। उन्होंने गंगा किनारे अपना एक निवास स्थान बनाया। इतिहास में आज उस स्थान को पौंटा साहिब गुरुद्वारे के नाम से जाना जाता है। गुरुजी के दरबार में 52 कवि थे जो साहित्यिक रचनाओं की रचना करते रहते थे। गुरु साहब साहित्यकारों का बहुत सम्मान करते थे, जिस तरह आनंदपुर साहब में कवि दरबार लगा करते थे, उसी तरह पौंटा साहब भी साहित्य का केंद्र बन गया था। गुरु जी के साथ साथ आनंदपुर साहब के हजारों श्रद्धालु भी पौंटा साहब पलायन कर गए। आनंदपुर साहब की तरह अब पौंटा साहब में भी हर रोज वाणी का पाठ होने लगा और कीर्तन दरबार सजने लगे। गुरु जी को जब ये पता चला के पौंटा साहब के लोग एक आदमखोर शेर की वजह से परेशान है, तब गुरुजी उस शेर का शिकार करने जंगल पहुंचे। जहां वो शेर एक पेड़ के नीचे सो रहा था, सोते हुए पर वार ना करके गुरुजी ने उसे ललकारा। जैसे ही शेर ने गुरुजी पर छलांग लगाई, गुरुजी ने अपनी तलवार से उस शेर के दो टुकड़े कर दिए। कुछ ही दिनों में गुरु गोविंद सिंह महाराज की शानो शौकत और बहादुरी के किस्से पूरे नाहन क्षेत्र में मशहूर होने लगे।
जहां उन दिनों छोटी जाति के लोगों का हथियारों को हाथ लगाना भी वर्जित था, वहीं गुरुजी ने उन्हें अपनी फौज में भर्ती कर उनको समाज में बराबरी का स्थान दिलाने की शुरुआत की। गुरुजी की बढ़ती शान से विचलित होकर पहाड़ी राजा भीमचंद ने जायजा लेने के लिए अपना एक पुरोहित गुरुजी के दरबार में भेजा। गुरुजी की लोकप्रियता, अपार संपत्ति और नायाब वस्तुओं को देखकर पुरोहित हैरान रह गए। उस पुरोहित ने जाकर जब ये जानकारी राजा भीमचंद को दी तो वो भी पुरोहित की तरह अचंभित रह गया। राजा को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि कैसे गुरुजी इतनी जल्दी लोकप्रिय हो रहे हैं। जहां एक और पहाड़ी राजा गुरुजी की बढ़ती शान से ईर्ष्या करने लगे थे, वहीं दूसरी ओर छोटी जाति के लोगों को फौज में भर्ती करने के क्रांतिकारी फैसले से भारी चिंता में आ गए थे। सैयद पीर बुद्धू शाह, जो साधुरा गांव के रहने वाले थे, जिसे आज हम अंबाला के नाम से जानते हैं, गुरुजी के बहुत बड़े अनुयायी थे। उन्हें जब ये पता चला कि गुरुजी अपनी फौज बना रहे हैं तो उन्होंने गुरुजी को 500 पठान सैनिक अपनी तरफ से भेंट किए। गुरुजी के प्रति राजा भीमचंद की ईर्ष्या बढ़ती जा रही थी। उसने राजा फतेहचंद, राजा कृपाल, राजा हरिचंद की सेना को अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया। तो दूसरी ओर गुरुजी का साथ पीर बुद्धू शाह जी दे रहे थे। पहाड़ी राजा भीमचंद की गुरु गोविंद सिंह महाराज के प्रति बढ़ती ईर्ष्या की वजह से उनका गुरुजी से अक्टूबर सन 1686 में पौंटा साहिब से 6 किलोमीटर दूर एक घमासान युद्ध हुआ, जिसे इतिहास में बघानी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। सब सिखन को